हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंट्रल एडवांस एजुकेशन। आज हम थर्ड क्लास की हिंदी सेकंड की बुक में लेसन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। ये है थर्ड क्लास की बुक स्पर्श। यह चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नेम है भाषा और व्याकरण। निम्नलिखित चित्र को ध्यान से देखें एवं समझें। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जिसमें दो व्यक्तियों को बातचीत करते हुए दिखाया गया है, जिसमें एक सेठ जी है और एक नौकर है। सेठ जी: विश्वनाथ, कुएं के पास मेरी दो गैया खड़ी थी, वे दोनों कहाँ हैं? गैया मीन्स गाय। नौकर सेठ जी को जवाब देता है। सेठ जी: मैं अज्ञात हूँ इस बात से। अज्ञात मीन्स अनजान, यानी मुझे नहीं पता। सवेरे मैंने दोनों को इसी जगह देखा था, लेकिन अब कहाँ गई यह मालूम नहीं है। उपयुक्त यानी ऊपर दिए गए चित्र में दो व्यक्तियों के बीच बातचीत को दिखाया गया है। दोनों व्यक्तियों ने अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया वह साधन भाषा कहलाती है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अर्थात अपनी बात विचार को बोलकर या लिखकर दूसरों के समक्ष मीन्स सामने प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। दूसरों की बात समझना और दूसरों को अपनी बात समझाना ही विचारों का आदान प्रदान करना है। जब हम किसी भी व्यक्ति को अपने विचार बोलकर लिखकर या आदान प्रदान करके समझते हैं तो यह सब भाषा ही है। हम भाषा का अन्य रूपों में भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए भाषा का एक अलग महत्व है। हम भाषा को स्वयं पढ़कर व सुनकर भी उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अभी तक हमने भाषा के बारे में पढ़ा, अब हम भाषा के रूपों के बारे में पढ़ेंगे। भाषा के दो रूप होते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिससे भाषा के दोनों रूपों को बताया गया है। भाषा का पहला रूप है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा, सरल भाषा में जिस भाषा को हम मुंह से बोलकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। चित्र को ध्यान से देखें एवं समझें। चित्र में अध्यापिका बोल रही है तथा बच्चे उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। नंबर 2, लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। चित्र को ध्यान से देखें। यहाँ जो चित्र दिया गया है इसमें देखिए अध्यापक लिख रहे हैं और बच्चे बैठकर देख रहे हैं। चित्र को ध्यान से देखें एवं समझें। चित्र में अध्यापक लिख रहे हैं और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। आज हमने भाषा के बारे में पढ़ा। भाषा के दोनों रूप लिखित और मौखिक भाषा के बारे में पढ़ा। लिखित भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। आई होप कि आपको भाषा और भाषा के दोनों रूप अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिखकर देखेंगे और इन्हें लर्न करेंगे। ओके, थैंक्स।